अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अकबर अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड टेन टुडे आर टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफ़िनेशन समझते हैं एन इक्वेशन Which contains the square of the unknown variable but. No higher power is called a quadratic equation or a second degree equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है या इस इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को कहते हैं तो जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्वेयर ऑफ द अननोन वेरिएबल तो इट मींस के मैक्सिमम पावर इक्वेशन में टू होगी तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाएगी अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स Of the form Ax square plus Bx plus C is equal to zero, where A is not equal to zero and A, B, and C are. Real numbers is called general or standard form of quadratic equation. एक वेरिएबल में सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी गई हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स अगर ए ज़ीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो इसलिए ए का ज़ीरो ना होना ज़रूरी है एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एक्स स्क्वायेर का कोफिशियंट ए एक्स का कोफिशियंट बी और कॉन्स्टेंट सी ये रियल नंबर्स होंगे इस कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहां पे एज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेर b is the coefficient of x and c is constant term. For example, example देना बहुत जरूरी होता है फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है यहां पे एक्स स्क्र का कोफिशियंट फोर है तो ए की वैल्यू फोर होगी एक्स का कोफिशियंट बी है बी की वैल्यू सेवन होगी कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू माइनस सिक्स होगी यहाँ पे अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं If B is equal to zero in AX square plus BX plus C is equal to zero, then the equation is called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसमें b की वैल्यू जीरो होगी तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी और इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी ए एक्स स्क्वेर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में तो प्योर की एग्जाम्पल फोर एक्स स्क्वेर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल होगी यहां पे बी एक्स वाली टर्म नहीं है इट मीन्स के बी की वैल्यू यहां जीरो हो गई तो स्टूडेंट्स अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आएगी तो वो हम ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखेंगे इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 question number 1 write the following quadratic equations in the standard form and point out pure quadratic equations part 1 solve main, x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7 अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट हमें पता है ए एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो साइड पे है मल्टीप्लाई करेंगे और राइट right साइड पे जो एक टर्म है उसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट right साइड पे जीरो होता है तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क् एक्स को माइनस थ्री से किया माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन को एक्स से करें प्लस सेवन एक्स माइनस ट्वेंटी वन ये माइनस सेवन लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वेर सिंगल टर्म है माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स को सिंप्लीफाई करें तो प्लस फोर एक्स आ जाएगा माइनस ट्वेंटी वन प्लस सेवन को सिंप्लीफाई करें तो माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी यहाँ पे ए की वैल्यू वन होगी क्योंकि एक्स स्क्वेयेर का कोफ़िशेंट वन है बी की वैल्यू फोर और टर्म माइनस फोर्टीन सी की वैल्यू होगी और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो जो प्योर आएगी उसको हम पॉइंट आउट करेंगे इसके लिए यह लिखना जरूरी नहीं है कि यह प्योर नहीं है अब पार्ट थ्री सॉल्व करते हैं एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू सिक्स अब लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन हैं दरमियान में प्लस का साइन है तो इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम इसका आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन एलसीएम को फ़र्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें एक्स कैंसल हो गया एक्स प्लस वन बचा एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू सिक्स अब ये एक्स स्क्वायर एज इज आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू एक्स इंटू वन टू एक्स प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स एक्स को वन से किया एक्स आ गया इज इक्वल टू सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं ऐड करेंगे तो ये टू एक्स आ जाएगा प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स अब आप जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं इनको राइट right साइड पे ले जाएं तो लेफ्ट साइड पे जीरो बाज जाएगा इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वा ये प्लस टू एक्स स्क्वायेर है राइट right साइड पे जाके माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स ये प्लस टू एक्स राइट साइड पे जाएगा माइनस टू एक्स हो गया और प्लस वन राइट साइड पे जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा अब सिक्स माइनस टू एक्स स्क्स इसको सिंप्लीफाई करें फोर एक्स स्क्वेर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अब यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होगा ए की वैल्यू फोर एक्स का कोफिशियंट बी बी की वैल्यू फोर और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस वन होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी जी स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन का पार्ट फाइव सॉल्व करते हैं एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस फाइव ओवर एक्स इज इक्वल टू वन यहां पे भी लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे एलसीएम एक्स एक्स प्लस फोर आ जाएगा यहां डिवाइड करेंगे एक्स प्लस फोर कैंसल हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस इस पे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो एक्स कैंसल हो जाएगा एक्स प्लस फोर बचेगा एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू वन अब इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करना है चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाएं एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स रह जाएगा प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी इसको भी मल्टीप्लाई कर दें एक्स 4x इज एकवल टू वन एक्स स्क्स थ्री एक्स बाहर माइनस है तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी इज एकवल टू ये राइट right साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वन इंटू एक्स स्क् प्लस फोर एक्स ये एक्स स्क् पॉजिटिव साइन के साथ है ये नेगेटिव साइन के साथ है कैंसल हो गया थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स आ जाएगा राइट साइड पे वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही टर्म्स आ गई अब फोर एक्स प्लस ट्वेंटी को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे इधर जीरो रह जाएगा एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स ये प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा राइट साइड पे जाके और ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा ये प्लस माइनस के साथ हो गया तो स्क्वायर माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो आ गया ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहां पे b की वैल्यू जीरो हो गई है क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद x वाली टर्म नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी तो चूंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहां पर हम सोल्यूशन में लिखेंगे इट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम तीन मेथड्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं नंबर वन बाय फैक्टराइजेशन नंबर टू बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद जिस मेथड से भी सॉल्व करने के लिए कहा गया होगा उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो अभी हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो गिवन है और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है यहां पे ए की वैल्यू वन बी की माइनस वन और सी की माइनस ट्वेंटी है अब चूंकि हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी एक्स स्क्वे माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे माइनस फाइव एक्स एंड प्लस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स को सिंप्लीफाई करें तो मिडल टर्म माइनस एक्स आ गई और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर आता है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने से भी रिजल्ट माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर ही आता था तो ये हमने नाइन्थ क्लास में बड़ी अच्छी तरह समझी हुई है फैक्टराइजेशन इसलिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस फाइव आ जाएगा प्लस फोर कॉमन लेंगे लास्ट टू टर्म्स में से तो रिमेनिंग यहां पे भी डेफिनेटली एक्स माइनस फाइव आएगा अब एक्स माइनस फाइव दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है एक्स माइनस फाइव को कॉमन ले लें रिमेनिंग एक्स प्लस फोर आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस फाइव ये माइनस फाइव राइट साइड पे जाके प्लस फाइव हो गया और प्लस फोर राइट साइड पे जाके माइनस फोर हो जाएगा सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट लिखना बहुत जरूरी है एक वैल्यू फाइव है और एक वैल्यू माइनस फोर है और सोल्यूशन सेट हमेशा ब्रेसेस वाली ब्रैकेट में लिखा जाएगा जी स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर टू का ही सेकंड पार्ट करेंगे थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन टू वाई माइनस फाइव राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई ये वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई को लेफ्ट साइड पे ले आए थ्री वाई स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं इसको सिंपलीफाई कर लें टू वाई स्क्वेयर प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है चूंकि यहां पे दो टर्म्स हैं तो आपके जहन में आ सकता है कि ये भी प्योर होगी प्योर इसलिए नहीं है कि y का कोफिशियंट जीरो नहीं हुआ तो b की वैल्यू यहां पे मौजूद है तो b का जीरो होना जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अब इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल नहीं है इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है y कॉमन ले लेंगे रिमेनिंग टू वाई प्लस फाइव बच गया इज इक्वल टू जीरो यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी अब ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो वाई इज इक्वल टू जीरो और टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो यहां से वाई की वैल्यू जीरो आ गई और यहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फाइव ओवर टू प्लस फाइव पहले राइट right साइड पे जाएगा टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव हो गया और टू राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन सेट होगा जीरो एंड माइनस फाइव बाय टू अब फोर्थ पार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन का इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 152 को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो एक्स स्क् माइनस इलेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई फर्स्ट हम एक्स स्क्स को फिफ्टी टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन फिफ्टी आएगा इसके दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन फिफ्टी टू एक्स आए और ऐड करें तो माइनस इलेवन एक्स आए अब माइनस नाइनटीन एक्स और प्लस एट एक्स इसके दो फैक्टर्स बनेंगे माइनस नाइनटीन एक्स में एट एक्स एड करें तो माइनस इलेवन एक्स आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली माइनस वन फिफ्टी टू एक्स आएगा फर्स्ट टू टर्म्स में से एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस नाइनटीन आ गया लास्ट टू टर्म्स में से प्लस एट कॉमन लिया रिमेनिंग एक्स माइनस नाइनटीन आ जाएगा अब ये रिमेनिंग फैक्टर्स डेफिनेटली सेम होने थे इनको कॉमन लें एक्स माइनस नाइनटीन कॉमन ले लिया रिमेनिंग एक्स प्लस एट बचा इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो यहां से एक्स की वैल्यू नाइनटीन आ गई और एक्स इज इक्वल टू माइनस एट तो सोलूशन सेट इसका होगा नाइनटीन एंड माइनस एट ये इसका सोलूशन होगा तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सीखा जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं कराए वो बिल्कुल इसी मेथड से होंगे वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़